वेलकम बैक टू टुडेज वीड्स एंड आई एम राजतोष सर। सो फाइनली मैं प्ले पढ़ाने जा रहा हूँ, फाइनली। एनीवेज मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद मैं प्ले पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। फॉर्म्स और ड्रामा चल रहा था, तो आई होप आपने फॉर्म्स और ड्रामा पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं। आम का गगन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लिखा किसने, रिटन बाय जीवी शाह, एंड व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीवी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, एक प्ले है। क्या है ये, एक प्ले है। प्ले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये वीडियो चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्ले एंड अ ड्रामा, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ प्ले राइट और ड्रामेटिस्ट, ये वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करिए। हाँ, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ प्ले एंड अ ड्रामा एंड अ प्ले राइट एंड ड्रामेटिस्ट, चाहिए अगर वीडियो कमेंट करिए, ठीक है। मैं कह रहा था ये एक प्ले है और इसमें कितने एक्ट हैं, 1 2 3, ठीक है। और हर एक एक्ट में एक इंट्रोडक्शन सीन है, ठीक है। तो 3 इंट्रोडक्शन सीन हो गई और 3 एक्ट, तो हम आज एक्ट 1 का इंट्रोडक्शन सीन करने जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, केवल इंट्रोडक्शन ही मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं कोई डायलॉग नहीं, कोई किसी डायलॉग नहीं आएगा, केवल इंट्रोडक्शन सीन। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्शन सीन आपके माइंड में होना। अगर आपको इंट्रोडक्शन सीन आपके माइंड में नहीं है तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, कुछ बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। चलो प्ले पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास बुक होना यहाँ दिख रही होगी फोटो में, वो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, ओरिएंट पब्लिकेशन की है, ठीक है। इसमें एरर नहीं होती, ना इसमें कोई डायलॉग गायब होते हैं, मैं पर क्लासिक, ओ माय गॉड, पता नहीं कैसी किताब है, बहुत सारे डायलॉग उसमें गायब है, ओ माय गॉड, अंडरकार आ रही है। कूल या मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो वन वे शूट होगी, मैं कुछ प्रेरित नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपके पास बुक होनी चाहिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, यहीं बंद कर दीजिए, प्लीज़ कह रहा हूँ। बिना वीडियो आपके पास नहीं है बुक मत देखिए, आप बाकी जाके किसी और चैनल पे जाके समरी सर्च कर लीजिए, तो वहाँ समरी सुन लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मत देखिए वीडियो, बुक होना जरूरी है, ठीक है। तो जिनके पास बुक है वो क्या करेंगे, आप मेरी वीडियो सामने रख दीजिए, ठीक है, बुक ऐसे रख लीजिए और पेंसिल ले लीजिए, ठीक है। अब मेरी वीडियो ईयरफोन लगा के प्ले कर लीजिए, समझ में आ गया, ठीक, स्टार्ट करें या। तो एक्ट 1, ठीक, एक्ट 1 अगर आपको देख रहा है तो अच्छी बात है। एक्ट 1 इंट्रोडक्शन सीन, ठीक। मुझे कुछ नहीं आता इस प्ले के बारे में और आपको भी नहीं आता, अगर समरी सुन ली कहीं से तो अच्छी बात है। ऐसे पढ़ना है कि कुछ नहीं पता हमें, तभी आप एक प्ले पढ़ेंगे। हालांकि ये ड्रामा बन गया, अब तो प्ले नहीं रहा, ये प्ले था जब परफॉर्म हुआ था, ठीक है। चलिए, नाइट का सीन स्टार्टिंग किससे हो रही है, नाइट के सीन से। तो एक्ट 1 के इंट्रोडक्शन जो होता है उसी सीन किससे स्टार्ट हो रहा है, नाइट से। कुछ कुछ क्लिप्स मैं दिखाता रहूँगा एंड फोटोज दिखाता रहूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। जल्दी से खत्म उसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है। अ लेडीज़ बेड चैम्बर इन बल्गेरिया, क्या समझ में आया कि अब ये जो एक्ट है इसमें कंट्री है बल्गेरिया। अभी तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि इसी एक बल्गेरिया कंट्री में कोई एक घर है जिसमें इस घर के कमरे में एक लेडी का कमरा है, किसी कमरा है, लेडी कमरा है, वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। सब पब्लिक सामने बैठी है और थिएटर में वो दिखाया जा रहा है। इन ए स्मॉल टाउन नियर अ ड्रैगमन पास को सर्किल करिए, ठीक है। अब व्हाट इज ड्रैगमन पास, आपके बहुत ही एग्जैक्ट क्लियर हो चाहिए तभी आप एक्ट 1 समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे मैप बना दे रहा हूँ, और ये यहाँ पे क्या है, ड्रैगमन है, ड्रैगमन एक जगह का नाम है, और ये जो पूरा ये है दूसरी कंट्री है, उस कंट्री का नाम मैं बता दे रहा हूँ, मैं हालांकि आगे आएगा एक्ट में, आएगा एक्ट 1 में, उस कंट्री का नाम क्या है, इस कंट्री का नाम है सर्बिया, ठीक है। और ये है आपका बल्गेरिया, ठीक है। कोने में एकदम बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर ऑफ बल्गेरिया, जो कि लगा किससे है, सर्बिया से, वहीं पे एक ड्रैगमन पास एक जगह है, ठीक। फिर हो गया, आगे चलते हैं। लेट इन नवंबर, नवंबर का महीना, ठंडे का महीना है, ठीक है। इन 1885, मतलब कि ये जो हमारी प्ले है, जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, वो उसकी सेटिंग क्या है, 1885, सर्किल कर लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं। थ्रू एन ओपन विंडो विद अ लिटिल बैल्कनी, अ पीक ऑफ बैल्कन्स, देखिए ये सब बैल्कनी सर्किल कर रही है। वट इज़ बैल्कन, बैल्कन क्या होता है, पहाड़ी का नाम है, आपने माउंटेन सुना होगा, माउंट एवरेस्ट सुना होगा, और ये बहुत सारी सुनी होंगी पहाड़ियों के नाम। तो उस समय जो बल्गेरिया में जो पहाड़ियाँ हैं, जो वहाँ छोटे छोटे घर है ना, तो उस घर से वो पहाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन दिखती कितनी है, अ पीक ऑफ द बैल्कन्स, मतलब कि उस घर में जो भी बैल्कनी है, बैल्कनी मतलब एक खिड़की छोटी सी, ठीक है, खिड़की थोड़ा दरवाजा टाइप, थोड़ा सा खिड़की टाइप हो गया, तो वहाँ से
वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, पीक ऑफ थोड़ा ऊपर ऊपर दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं। वंडरफुली वाइट एंड ब्यूटीफुल इन द स्टार लाइट स्नो, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी पहाड़ियाँ। इमेजिन करते जाइए उस पहाड़ियों के टॉप पे क्या है, एक स्नो पड़ी हुई है, मतलब स्नो की बरसात हुई एक तरीके से, और उसमें जो है तारों से जो पड़ने वाली जो लाइट है टिमटिमाती हुई वो उस पर पड़ रही है, तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ठीक है, सीम्स सीम्स मतलब दिख रहा है, सीम्स क्वाइट क्लोज एट हैंड, ये क्वाइट क्लोज एट हैंड ये मिक्स्ड, ये फिक्स्ड फ्रेज है, इसमें कुछ बदले कर ना इन गायब होगा ना द गायब होगा, क्वाइट क्लोज एट हैंड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको सर्कल कर लीजिए। क्वाइट क्लोज एट हैंड में मतलब हुआ ऐसा दिख रहा है, ऐसा लगता है हाथ के पास ही है, भले वो चीज़ पास ना हो, मतलब डिस्टेंस को बताने का एक तरीका है, समझ में आ गया। ठीक है, क्वाइट क्लोज एट हैंड दो इट इज रियली माइल्स अवे, हाँ हालांकि वो बहुत दूर है, क्या बहुत दूर है, बालकन की पहाड़ियाँ उस घर के कमरे से बहुत दूर है, लेकिन दिख ऐसा रहा है कि बहुत पास में है। आगे चलते हैं, द इंटीरियर ऑफ द रूम, अब देखिए यहाँ से पूरा जो है हम जितना भी पढ़ेंगे वो कमरे के इंटीरियर की बात होगी, इंटीरियर मतलब कमरे में क्या क्या सामान कहाँ कहाँ रखी हुई है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द पॉइंट ऑफ एक्ट वन। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ द रूम इज नॉट लाइक एनी थिंग्स टू बी सीन इन द वेस्ट ऑफ यूरोप, मतलब उस वेस्ट पार्ट में, ये जो है ना ड्रैगन पास का ये वेस्ट पार्ट है यूरोप में, वेस्ट पार्ट में जो सामान मिलती है वहाँ पे, हालांकि वो सामान उस कमरे में नहीं रखी हुई थी, उसे बहुत महंगी महंगी सामान रखी थी, बहुत मतलब कि कॉस्ट कॉस्ट मतलब प्राइस उसका जो है काफ़ी ज़्यादा था, वैल्यूएबल कह सकते हैं तरीके से ना। ठीक है, आगे चलते हैं, सीन इन द वेस्ट ऑफ यूरोप इट इज हाफ रिच बल्गेरियन, देखिए हाफ रिच बल्गेरियन, आधा रिच तो बल्कि मतलब कि महंगी सामानें भी हैं उसमें, हाफ चीप वियनीज, और कुछ सस्ती सामानें भी हैं जो वियनीज, वियनीज एक फेस्टिवल है जो 1885 में हुआ करता था। देखिए इसीलिए कहते हैं कोई चीज़ को पढ़िए तो उसको समझिए आप, 1885 में वियनीज फेस्टिवल होता था, जैसे कि इस समय जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ना कोई नाम है क्रिसमस एंड ऑल डैट, उस समय वियनीज फेस्टिवल होता था जिसमें जो है सामानें जैसे बेची जाती थी, बहुत लोग आते थे सामान अपना लेके आते थे तो बेचते थे, महंगे दाम में बिकती थी और छोटे दाम में बिकती थी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अबव द हेड ऑफ द बेड, अब जो वहाँ पे बेड रखा हुआ है उस बेड के ऊपर, विच स्टैंड अगेंस्ट अ लिटिल वॉल कटिंग ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर द रूम, रूम के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो वॉल है वहीं पे वो बेड रखा हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ है, वो कुछ क्या है देखते क्या है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर रूम कॉमा लगा के इज अ पेंटेड वुडन श्राइन, वुडन आपको पता होगा लकड़ी का, वुडन श्राइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्राइन, श्राइन मतलब होता है मंदिर, बट वो मंदिर है टेम्पल और मंदिर नहीं, ठीक है मंदिर मतलब छोटा सा मंदिर जो घरों में होता है, पूजा घर जो छोटा सा होता है, ठीक है लकड़ी का रखा हुआ होता है, मैं अगर फोटो भी लोगे मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ब्लू एंड गोल्ड, वो किस कलर का है, ब्लू एंड गोल्ड कलर का है, विद एन आइवरी इमेज ऑफ क्राइस्ट, अंडरलाइन दिस लाइन, इसको अंडरलाइन करिए, विद एन आइवरी इमेज ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट आपको पता है जीसस क्राइस्ट, ठीक है, लेकिन आइवरी इमेज ऑफ क्राइस्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे आइवरी का मतलब होता है दांत, सफेद दांत सा, सफेद दांत सा, लेकिन सफेद दांत किसका, हाथी का, मतलब बहुत सख्त मजबूत। देखिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, उसमें देखिए वुडन श्राइन लगा हुआ है, ठीक है वुडन की लकड़ियां हैं बगल में, ठीक है, और आइवरी इमेज मतलब होता है जो जीसस क्राइस्ट का ये प्लस का सिंबल है उसी में जो आइवरी मतलब एक सख्त मूर्ति, ठीक है समझ में आ रहा है, सख्त मूर्ति एकदम सफेद कलर की हो उसे आइवरी इमेज ऑफ क्राइस्ट कहेंगे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। एंड अ लाइट हैंगिंग बिफोर इट पियर्स्ड मेटल बॉल सस्पेंडेड बाय थ्री चेन्स, तीन चैन से लगा हुआ एक बल्ब लगा हुआ है, वो उसमें ग्लो कर रहा है, जल रही लाइट, मंदिर में लोग इसे जलाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं, द प्रिंसिपल सीट, जो मुख्य सीट है उसको मतलब उस कमरे में प्रिंसिपल सीट जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा बार बैठते हैं लोग, द प्रिंसिपल सीट प्लेस टूवर्ड द अदर साइड ऑफ द रूम एंड अपोजिट टू द विंडो, जिस विंडो से कहानी हमारी शुरू हुई है उस विंडो के अपोजिट साइड में क्या एक टेबल रखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, सीट रखी हुई है, फिर से बोल सकते हैं इज अ टर्किश ऑटोमैन, वो एक टर्किश ऑटोमैन है, और जिसमें बेड है ना वो भी एक ऑटोमैन बेड है। क्लियर हो गया, अगर मुझे फोटो देख रहे हो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है, द काउंटर पेन एंड द हैंगिंग्स ऑफ द बेड, ठीक है काउंटर पेन और हैंगिंग्स मतलब हो गया जो बेड पे जैसे चद्दर बिछाते हैं, उस समय जो है 1885 में काउंटर पेन भी छाया था, काउंटर पेन में नक्काशी जड़े होते हैं या फिर बहुत महंगी कढ़ाई होती है उसे काउंटर पेन कहा जाता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, द विंडो कर्टेन्स द लिटिल कारपेट एंड ऑल आर द ऑर्नामेंटल टेक्सटाइल फैब्रिक्स इन द रूम आर ओरिएंटेड एंड गॉर्जियस, ओरिएंटेड एंड गॉर्जियस बहुत ही सुंदर और कीमती भव्य, ठीक है मतलब नक्काशी से गढ़ा हुआ बहुत ही अच्छा दिख रहा था, जो भी जो वहाँ कपड़े रखे हुए थे, कर्टेन ले लीजिए चाहे सीट बिछाने वाला ले लीजिए, हर एक चीज़ जो है बहुत ही रिच लग रही थी। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, द पेपर ऑन द वॉल्स इज ऑक्सीडेंटल एंड पॉटरी,
मतलब जो पेपर लगे हुए हैं वॉल्स पे, हालांकि वो सस्ते लग रहे हैं, वो लोकल के लग रहे हैं, वो इतना कोई रिच नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड तुच तुच होता है पार्ट्री मतलब। एंड वॉल स्टैंड अगेंस्ट द वॉल ऑन द साइड नियरेस्ट द ऑटोमैन एंड द विंडो। एक वॉल स्टैंड रखा हुआ है। एंड क्लियर करिए अपने आप को कि वॉल स्टैंड मतलब क्या होता है। वॉल स्टैंड जहाँ कुछ धोने लायक कोई स्टैंड बनाओ, मतलब जो स्टैंड इधर उधर कर सके। तो देखिए मैं आपको स्टैंड दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप बर्तन धो सकते हैं, मुंह भी धो सकते हैं, जो मन करे धो लीजिए, ठीक है। तो वॉल स्टैंड लगा हुआ है वहाँ पे बगल में बैठ के, साइड में लिखा हुआ ना, अगेंस्ट द वॉल ऑफ द साइड नियरेस्ट द ऑटोमैन। ऑटोमैन नियरेस्ट ऑटोमैन जो बेड है उसी के बगल में थोड़ा सा रखा हुआ है वॉल स्टैंड। आगे चलते हैं। कंसिस्ट ऑफ एन एनेबल्ड आयरन बेसिन विद अ पेल बीनीथ इन। देखिए यहाँ तक, यहाँ तक समझते पहले। कंसिस्ट ऑफ एन इनेबल्ड आयरन बेसिन। देखिए बेसिन जो उसमें लगा होता है, जिसमें हाथ धोते हैं ना, उसमें जो बेसिन लगा वो आयरन इनेबल्ड है, मतलब उसमें लोहे से जो है कॉर्नर से वो पूरा लगा हुआ है, कॉर्नर में लोहा लगा हुआ है, मतलब कि ताकि उसमें जंग ना लगे एंड पूरा सख्त रहे, मजबूत रहे, उसके लिए बता रहे हैं। साइड नियरेस्ट द ऑटोमैन कहाँ गया? हाँ ये रहा। कंसिस्ट ऑफ एन इनेबल्ड आयरन बेसिन विद अ पेल। पेल मतलब था बाल्टी, बकेट आपने वर्ड सुना होगा, पेल मतलब भी क्या होता है, बाल्टी होता है। बट वो बाल्टी कैसी है, अब बीनीथ इन इट, वो नीचे रखी हुई है उसी बेसिन के नीचे रखी हुई है वहीं पे जो है, इन इट इन अ पेंटेड मेटल फ्रेम। वो जो बाल्टी उसका जो फ्रेम है वो मेटल का है और पेंट है वो, ठीक है, ऐसे सर ही रखी हुई बाल्टी। आगे चलते हैं। एंड अ सिंगल टॉवल और उसी बेसिन में, ऑफकोर्स बात है वहाँ मुंह पोछेंगे तो वहाँ पे जो है पोछने के लिए कुछ होना चाहिए, टॉवल वो भी रखा हुआ उसी में। सिंगल टॉवल एंड अ रेल एट अ साइड। साइड जो उसमें मतलब कि कोई बार वो ऐसे रखा हुआ है तो साइड में एक लोहे की लगी होगी जिसमें जो रेल में उस पर टॉवल हम टांग सके, ठीक। आगे चलते हैं। द ड्रेसिंग टेबल। देखिए यहाँ से आप यहाँ से इंपॉर्टेंट हो रहा है। द ड्रेसिंग टेबल बिटवीन द बेड, बेड और विंडो के बीच में एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है। ड्रेसिंग टेबल समझ सकते हैं जो पढ़ने वाली टेबल होती है। क्लियर हो गया? लगा से ऐसा फील हो रहा है मुझे। आगे चलते हैं। द ड्रेसिंग टेबल बिटवीन द बेड एंड द विंडो, वहाँ एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है। देखिए मैं आपको ड्रेसिंग टेबल दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, मुझे फोटोज मिली हुई तो ड्रेसिंग टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। इज अ कॉमन पाइन टेबल। अब देखिए वो जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उस ड्रेसिंग टेबल में, देखिए ड्रेसिंग टेबल से एक चीज़ और होती है, अगर एक लड़की के कमरे में जो ड्रेसिंग टेबल होगा वो नॉट अ एक लड़के लड़के कमरे में जो ड्रेसिंग टेबल होगा उसकी तरह नहीं होगा। लड़की केवल जो लड़की कमरे में ड्रेसिंग टेबल होगा उसमें मिरर लगा होगा, ठीक है, मेकअप वेकअप करने के वहाँ जगह सामान रखी होंगी, ठीक है। जो दहेज में यार जो दहेज मिलता है ना लड़कियों को, उसमें ड्रेसिंग टेबल जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया? वैसे ही कुछ है, वो अपने ऐसे नहीं पुराना पैसा रखा होगा। और पुराने समय में जो है पाइन टेबल, जो पाइन लकड़ी होती थी उसकी ड्रेसिंग टेबल बनती थी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक चलती थी। और एक बात, कभी तो मैं बड़ी फंस जाता हूँ, वो काफ़ी लंबे समय तक चलती थी और उसमें जो जंग वंग या फिर कीड़े मकोड़े ने सब नहीं लगते थे। पाइन की बात करो, ठीक है, पाइन में मुझे खिलौना मिला था, वो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। पाइन टेबल हो गई। कवर विद अ क्लॉथ ऑफ मेनी कलर्स। और वो जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें कवर रखा, वैसे भी कुछ भी घर में आता है उस पर कपड़ा चढ़ाया दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। विद एन एक्सपेंसिव टॉयलेट मिरर, और जिसमें मिरर लगा हुआ है ड्रेसिंग टेबल में, बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक। द डोर इज ऑन द साइड नियरेस्ट द बेड। एक वहाँ पे डोर है कमरे से बात है, कमरे से बाहर और अंदर आने के लिए एक डोर लगा हुआ है, वो बेड के बगल में ही थोड़ा सा पास में ही है। एंड देयर इज अ चेस्ट ऑफ ड्रावर्स बिटवीन। और उस दरवाजे मतलब दरवाजा ये है और बेड ये है अगर, तो बीच में जो जगह है वहाँ पे चेस्ट और ड्रावर रखा हुआ है। देखिए चेस्ट और ड्रावर मतलब एक ऐसा जो है ड्रावर, इस पर कई एक दो तीन दिन ड्रावर रखे हो और ऊपर जगह हो ताकि कोई फ्लावर वे से कुछ रख सके या फिर किताबें रख सके, ठीक है। देखिए मैं फोटो मिल गई होगी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। चेस्ट ऑफ ड्रावर्स बिटवीन वहाँ रखा हुआ है। द चेस्ट ऑफ ड्रावर्स इज ऑल्सो कवर्ड विद वेरीगेटेड नेटिव क्लोथ्स। मतलब उसमें अलग अलग तरह के जो है क्लोथ वहाँ पे रखे हुए, वो क्लोथ जो है वही लोकल के हैं। आगे चलते हैं। एंड ऑन इट, उसके ऊपर देर इज अ पाइल ऑफ पेपर बैग नॉवेल्स। मतलब पाइल ऑफ पेपर्स भी रखे हुए हैं, पेपर जो सारे जो है इकट्ठा रख दिए एक के ऊपर एक वो रखे हुए हैं, और नॉवेल्स की किताबें रखी हुई हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट क्रीम। ये अंडरलाइन करिए कि चेस्ट ऑफ ड्रावर्स के ऊपर जो है नॉवेल्स रखी हुई थी और वहीं पर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें चॉकलेट थी, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। आगे चलते हैं। एंड अ मिनिएचर एसएल विद अ लार्ज फोटोग्राफ ऑफ अ एक्सट्रीमली हैंडसम ऑफिसर हुज लॉफ्टी बियरिंग एंड मैग्नेटिक ग्लैंस कैन बी फेल्ट इवन फ्रॉम द पोर्ट्रेट, ठीक, इवन फ्रॉम द पोर्ट्रेट। अब देखिए वहाँ चॉकलेट भी रखी हुई ड्रेसिंग टेबल के बगल में, उसी के बगल में थोड़ी सी जगह बची है दरवाजे के साइड में, वहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, मिनिएचर एसएल। देखिए एसएल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो चित्रकला जो बनाते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, जिस पेपर में ड्राइंग करते हैं उस पेपर को जो है किसी लकड़ी के
सहारे से लगाते हैं, देखिए मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ, मुझे ऐसे भी पिक मिल गई होगी, तो उसको वो वहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। पहले जमाने में लोग फोटो बनाते थे ना, तो उसको ऊपर उसमें रख के कागज को, तो फोटो को उसमें पेंट करते थे या फिर कलर करते थे, ठीक है। उसमें किसी की फोटो बनी हुई है, ये कॉमन सी बात है, और जो फोटो बनी हुई है उसमें किसी ने बनाया हुआ है उसमें, वो एक्सट्रीमली हैंडसम है, केवल हैंडसम नहीं है, एक्सट्रीमली हैंडसम है, बहुत हैंडसम है, हुज लॉफ्टी बियरिंग एंड मेलेडिंग ग्लैंस, और जिसकी जो है इतना ज्यादा वो जिस तरह से दिख रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, लॉफ्टी बियरिंग है, काफी आकर्षक लग रहा है, एंड मैग्नेटिक ग्लैंस, ऐसा ग्लैंस ऐसा जो है उसका जो है अपीयरेंस है कि एक मैग्नेटिक एक जो है आकर्षण खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। मैं नजर हटाने का मन नहीं कर रहा, कैन बी फेल्ट, केवल महसूस किया जा सकता है, इवन फ्रॉम द पोर्ट्रेट, केवल उस फोटो से महसूस किया जा सकता है, ठीक है। द रूम इज लाइटेड बाय अ कैंडल ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रावर, जो रूम में लाइट है, जो रोशनी है, वो एक कैंडल से है, अभी तो मैंने एक ही पढ़ा, तो एक कैंडल से जो कि कहाँ रखी हुई है, चेस्ट और ड्रावर पे, वहीं जो है जहाँ पे चॉकलेट बॉक्स रखा हुआ है, जहाँ पैड और नॉवल रखा हुआ, वहीं पे जो है एक कैंडल रखी हुई है जिससे जो है रूम में लाइट है, एंड अनदर एक और कैंडल है, एंड अनदर ऑन द ड्रेसिंग टेबल, वही ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, उस पर एक रखी हुई है कैंडल और विद अ मैच बॉक्स, और जो माचिस की डिब्बी है वो जो है ड्रेसिंग टेबल वाली कैंडल के बगल में रखी हुई है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, जरा डिब्बी तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, चलिए। द विंडो इज, देखिए मार्कर बंद कर दे वरना सूख जाएगा बाद में, हाँ। द विंडो इज हिंज्ड आउट डोर वाइज, अब देखिए यहाँ से क्लियर आता है कि जो विंडो वहाँ पे लगी हुई है ना, वो जो विंडो है वो हिंज्ड है, देखिए हिंज विंडो अलग होती है, कॉमन विंडो नहीं होती वो। 1885 में बहुत ही कम घरों में जो हिंज विंडो होती थी, कॉस्टली पड़ती थी, ये बाहर की ओर खुलती है और इसका जो डिग्री होता है, खुलने का डिग्री होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, पूरी आउटवर्ड डायरेक्शन में खुलती है, ये इसको कहते हैं हम हिंज विंडो, ठीक है। आपने अगर स्कूल, अगर आप केवी स्कूल में, मैं केवी स्कूल से था, तो हम लोग के यहाँ हिंज विंडो लगी हुई थी, वो बाहर क्यों खुलती थी और ऐसे आप अंदर करिए बंद हो जाती, ठीक है, ये हो गया। द विंडो इज हिंज डोर वाइज एंड स्टैंड वाइड ओपन, खुला हुआ है पूरा, ठीक है। आउटसाइड अ पेयर ऑफ वुडन शटर्स, देखिए मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, उसमें देखिए आप वुडन शटर भी है और हिंज विंडो भी है। वुडन शटर क्या होता है, पहले जमाने में जब वो कहते वो लड़ाई का समय था, तो लोग वुडन शटर का इस्तेमाल करते थे, मतलब बाहर से जो है पूरा बंद कर दो, ठीक है, वो पूरा बंद होता, खिड़की उड़की बंद होता। अभी समय क्या होता है, खिड़की आप तोड़ के घुस जाते हो, कोई कांच लगा पड़ोगे घुस गए, लेकिन अगर वुडन शटर लगा हुआ है तो आप ऐसा नहीं हो सकता, कोई खिड़की से भी अंदर नहीं आ सकता, समझ में आ गया। इसलिए वहाँ उस समय जो है लड़ाई का समय था, लड़ाई का माहौल था, 18th century की 19th century की बात हो, 1885 की बात हो रही है, तो इसलिए उस समय जो है वुडन शटर का इस्तेमाल किया था। क्लियर हो गया, देखिए सबके घरों में नहीं था, बहुत जो रिच वाले उनके घर में ही लगता था, ठीक। आगे चलते हैं, ओपनिंग आउटवर्ड्स, वो भी वुडन शटर भी बाहर के लिए खुला होता था, एंड ऑल्सो स्टैंड ओपन, वो भी खुला हुआ है। ऑन द बैल्कनी अ यंग लेडी, आप देखिए यहाँ पे पहला कैरेक्टर हमें जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, अभी बैल्कनी पे एक यंग लेडी खड़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत वो खड़ी हुई है, यंग लेडी खूबसूरती होगी। ऑन द बैल्कनी अ यंग लेडी इंटेंसिवली कॉन्शियस, देखिए इंटेंसिवली कॉन्शियस मतलब वह उसे पता है कि वो कहाँ खड़ी है, कमरा में कुछ हो, भनक भी आवाज़ भी होगी तो उसे पता चल जाएगा, इंटेंसिवली कॉन्शियस मतलब होशो हवास में एकदम वो, ऑफ द रोमांटिक ब्यूटी, लेकिन किस किस होशो हवास में है, एक रोमांटिक ब्यूटी में है, एक उसके अंदर रोमांटिसिज्म चल रहा है, ठीक है, एक तरह का रोमांटिक फीलिंग चल रही है, रोमांटिक ब्यूटी ऑफ द नाइट, और जो रोमांटिक ब्यूटी है वो किस चीज़ से है जुड़ी हुई है, उस रात से, उस चांदनी से जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ द फैक्ट, और इस बात को भली बात जानते हुए, डेट हर ओन यूथ एंड ब्यूटी आर पार्ट ऑफ इट, मतलब वो जो इंटेंसिवली कॉन्शियस वर्ड है वो जो है एक तरीके से रिलेट कर रहा है कि जो रात की चांदनी है और जो उसका खुद का जो एक ग्लैमर है, जो एक यूथ है, वो जो है अपने आप को से रिलेट कर रही है, वो हिंदी समझाओ तो उसको समझिए कि हम भी एक जो है एटमोसफेयर का एक हिस्सा है, ठीक है, वो उसको फील कर रही है एक तरीके से। आगे चलते हैं, इज गेजिंग एट अ स्नोई बालकनी, वो वहां जो है क्या कर रही है, वो देख रही है उसी बालकनी की पहाड़ियों को देख रही है। आगे चलते हैं, सी इज इन हर नाइट गाउन, हाँ इसको नाइट गाउन कौन डाला है उसको कर लीजिए, क्या सर्कल कर लीजिए, वो जो उस वक्त क्या पहनी हुई है, नाइट गाउन पहनी हुई, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है उस समय कॉटन का नाइट गाउन था, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, नाइट गाउन जो उसने पहना हुआ वो काफ़ी हल्का पहना हुआ, रात के बाद सोने वाला नाइट गाउन है, तो इट लुक लाइक समथिंग ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और तो इसने ये पहना हुआ है, नाइट गाउन पहना हुआ प्लस वेल कवर्ड बाय लॉन्ग मेटल ऑफ फर्स, और जो उसने एक तरह का कोट पहना हुआ है, मेटल ऑफ फर्स पहना हुआ, देखिए मैं आपको वो भी फोटो दिखा रहा हूँ, मुझे फोटो मिल जाती है, तो लॉन्ग मेटल ऑफ फर्स पहना हुआ वो उसने ऊपर से पहना हुआ है, ठीक, अंदर उसने नाइट गाउन पहना हुआ, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, कॉमन करके वर्थ लिखा हुआ, जिसकी कीमत उस लॉन्ग मेटल फर्स की कीमत क्या है, और ना मॉडरेट एस्टिमेट लगभग रही होगी अबाउट 3 times ऑफ द फर्नीचर ऑफ हर रूम,
ओह माय गॉड, मतलब कि कमरे में जितने भी फर्नीचर रखे हुए हैं उसकी कीमत अगर आप लगाओगे 100 रुपये लगभग निकलती, तो उसकी कीमत 300 रुपये रही होगी उस मेटल की, उस उसकी जो है जो कोट पहना हुआ उसने, ठीक है, ये लिखा हुआ है मॉडरेट एस्टिमेट अबाउट 3 टाइम्स, 3 गुना रही होगी। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड आने वाला है, इसको सर्कल कर लीजिए, हर रेवरी, रेवरी वर्ड को सर्कल कर लीजिए। देखिए रेवरी क्या होता है, एक तरह का स्वप्न होता है, लेकिन ये स्वप्न आपको रात में सोते वक्त नहीं आता, वो तो ड्रीम कहलाता है। रेवरी क्या होता है, एक ऐसे वक्त में कुछ सोचना, कुछ इमेजिन करना जो वक्त सोने वाला ना हो, दोपहर हो सकता है, दो सुबह हो सकती है, शाम भी हो सकती है, तो ये शाम का वक्त है, वो चांद को, चांदनी रात को देखते हुए एक तरह की इमेजिनेशन में खोई हुई है, ठीक है, तो उस इमेजिनेशन को बोला जा रहा है एक तरह का स्वप्न, ठीक है, रेवरी कहला रहा है। रेवरी इज इंटरप्टेड, अब उसकी रेवरी इंटरप्ट कर दी गई, मतलब उसमें विघ्न पड़ गया, विघ्न वाह हिंदी वर्ड, विघ्न पड़ गया, एक तरह का जो है उसमें इंटरप्शन हो गया, रोक टोक हो गई, किसके द्वारा, बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा, कैथरीन पेटकॉक। देखिए कैथरीन पेटकॉक को सर्कल करिए, वहाँ पे लिखिए फर्स्ट नेम करेक्टर, अभी तक हमें किसी का नाम नहीं पता इस प्ले में, लेकिन पहला नाम किसका आता है, यंग, पहला नाम आता है कैथरीन पेटकॉक का, बट पहला अपीयरेंस किसका है, पहला अपीयरेंस हमें उसका भी नाम नहीं पता, लेकिन बट यंग लेडी का है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछने नेट पे पेपर से पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट, व्हिच वन इज द फर्स्ट अपीयरेंस इन इन द इंट्रोडक्शन सीन ऑफ एक्ट वन ऑफ द नाम्स एंड द मैन, तो वहाँ पे कैथरीन पेटकॉक भी लिखा रहेगा, रैना लिखा रहेगा, तो जब भी हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत सारे हम लोग रैना लिख देंगे, लेकिन यंग लेडी है, ठीक, क्लियर हो गया, हमें उसका नाम कुछ नहीं पता, यंग लेडी का अपीयरेंस फर्स्ट होता है, नेम पहला आता है उसकी माँ का, एंड द नेम इज कैथरीन पेटकॉक, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अ वुमन ओवर 40, वो लगभग रही होगी 40 के ऊपर रही होगी, ठीक है, इम्प्रेसली एनर्जेटिक, बहुत ही उत्साह से आ रही है कमरे में, पता नहीं क्या कर रही आ रही है, इम्प्रेसली एनर्जेटिक विद अ मैग्निफिशेंट ब्लैक हेयर एंड आइज। देखिए मुझे क्लिप मिल गई होगी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो जो है मतलब कि उत्साह से आती है कमरे में, और उस जो जो उसका अपियरेंस दिखाया जा रहा है वो एकदम मैग्निफिशेंट है, एकदम आइज काली है, बाल काले काले बाल है, उतनी बूढ़ी नहीं लग रही है, ठीक है, who might be a very splendid specimen of a wise of a mountain farmer, मतलब कि वो जो है पक्का एक किसान की जो है, वो किसान किसका होगा, मतलब वो पहाड़ी वाला किसान होगा, बहुत ही शानदार पत्नी रही होगी। देखिए यहाँ बोलने से ये जो लाइन है वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं जीबी साहब कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं हट्टी कट्टी पुष्ट सुंदर दिखने वाली अट्रैक्टिव दिखने वाली वुमेन थी और 40 होने के बावजूद भी, ठीक है, आगे चलते हैं, क्या गया, हाँ, माउंटेन फार्मर बट इज डिटरमाइंड टू बी अ वियनीज लेडी, बस देख के ऐसा डिटरमाइन कह सकता है कि वो वियनीज लेडी, उसने कुछ पहना हुआ है ऐसा जो कि वियना फेस्टिवल का रख रहा है, कॉमन बात ही है, वियनीज यानी वियना फेस्टिवल से कुछ उसने पहना हुआ है, एंड टू दैट एंड, और आखिर में क्या, वियर्स अ फैशनेबल टी गाउन ऑन ऑल ओकेजन, और एक हर एक किसी भी त्यौहार में ओकेजन में क्या पहनती है, एक टी गाउन पहनती है। देखिए मैं आपको टी गाउन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, टी गाउन की भी कहानी है, टी गाउन क्या होता है, जो कमर से जितना क्लोज वहाँ पर टी गाउन में थ्रेड लगे होते हैं, तो टी गाउन में अगर आप जितना थ्रेड उसमें टाइट करते हैं, जितना भी कमर कम होती है उस समय उस औरत को या लड़की को उतनी खूबसूरत माना जाता है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, और हमारा इंट्रोडक्शन भी खत्म, हाँ जल्दी हम लोग इसका एक्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब डायलॉग स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कैसा लगा पढ़ के, और आपको क्या कोई भी डाउट हुआ इंट्रोडक्शन में, अगर कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ एक्ट 1, टाटा।